हेलो फ्रेंड्स, आदर्श रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं दाल और चावल से बनने वाला बहुत ही सेहतमंद नाश्ता, जो कि बहुत ही जल्दी बनता है फ्रेंड्स, और दो बूंद ऑयल में बनकर रेडी हो जाता है। और बनाना भी बहुत ईजी है, कोई भी इसे बना सकता है। तो देखिए, हम एक कटोरी यहाँ पर लिए हैं चावल, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो आपके घर में प्रयोग होता हो। और सेम कटोरी से हम यहाँ पर आधा कटोरी लिए हैं चना का दाल और आधा कटोरी लिए हैं मसूर का दाल। तो देखिए, अब इन सभी को एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे चावल और लिए हैं फ्रेंड्स, हमें चावल थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा चावल हम और लिए हैं। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा बना सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम पानी डालकर और इसको हमें हाथ से मसल कर बढ़िया से इसको धुलना है, तीन पानी तक, इसको अच्छा से साफ होने तक इसको अच्छा से धुल लेना है। और देखिए, यहाँ पे हम धुलकर इसको साफ़ कर लिए हैं बढ़िया से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी से इसको अच्छा से भिगोकर और हमें रखना है 4 से 5 घंटे के लिए, इसको हमें सोख करके रखना है फ्रेंड्स। 4 से 5 घंटे में बहुत ही अच्छा से ये फूल जाएगा। तो देखिए, हम उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा हमारा यहाँ पर चावल और दाल फूल गया है, और इसका क्वान्टिटी भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पानी जो है वो हमें फेंकना नहीं है, ये पानी के साथ ही हमें इसको ग्रेंड करना है। तो देखिए, ग्रेंड करने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं मिक्सी जार। तो दाल चावल को हम डालकर पानी के साथ ही, और इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। और इसके साथ ही हम देखिए यहाँ पे लिए हैं 8 से 10 लहसुन की कली को डालकर, और इसके साथ ही हमें इसको भी पेस्ट बना लेना है, देखिए इस प्रकार से। तो अब हमें इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और बाकी का भी दाल चावल का हमें इसी तरह से पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए, हम सभी दाल चावल का यहाँ पे पेस्ट बनाकर और रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा सा कम दही लिए हैं, तो ये हमारा खट्टा दही है। तो अगर आपके पास ताज़ा दही हो तो एक कटोरी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ हरी सब्जियाँ लिए हैं, गाजर लिए हैं और शिमला मिर्च और प्याज, तो इन सबको बारीक काट लिए हैं, और गाजर को हम क्रश कर लिए हैं फ्रेंड्स। और आप अपने मनपसंद सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद हो तो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च को हम बारीक काट कर इसमें ऐड किए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमक थोड़ा कम ही ऐड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 स्पून ऐड किए हैं भुना हुआ जीरा का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी इसमें अब कोई मसाले हमें प्रयोग नहीं करना है, बिना मसाले का ही बनकर रेडी होगा फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इतना कम तेल और बिल्कुल कम मसाले में ये बनकर रेडी हो जाता है, और इतना सेहतमंद नाश्ता है फ्रेंड्स, तो बनाना तो बनता ही है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में भी बना सकते हैं, शाम के छोटी मोटी भूख के लिए इसे बना सकते हैं। ये सेहत से भरपूर नाश्ता है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है, एकदम ईजी है बनाना। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, इसको हमें अच्छा से फेंट कर और रेडी कर लिए हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऐड किए हैं हल्दी पाउडर। तो कलर के लिए इसमें हल्दी पाउडर ऐड किए हैं फ्रेंड्स, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। तो अब हम इसको ढककर और 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे तुरंत भी बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ काम था तो इसलिए हम 10 मिनट के लिए ढककर रख दिए थे। और उसके बाद देखिए, हम इसको अच्छा से मिक्स कर ले रहे हैं, और देखिए आप देख सकते हैं इस तरह हमें फेंटना है। और इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से परफेक्ट है ये। तो अब रेडी हो गया है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लिए हैं पैन। तो पैन में हम यहाँ पे 1/2 चम्मच के लगभग हम ऑयल ऐड किए हैं, और थोड़ा सा इसमें राई दाना और कढ़ी पत्ता ऐड किए हैं। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1 चम्मच हमें ऐड करना है इस बैटर को। तो बैटर को हमें बीच में ही ऐड करना है, और देखिए इस प्रकार से हमें इसको चारों तरफ फैलाना नहीं है, एक ही जगह हमें इसको डालना है। और इसको हमें लीड लगाकर और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हमें कुक करना है। इससे क्या होगा कि बढ़िया से ये कुक हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा अंदर से।
और देखिए उसके बाद हम इसको पलट के और आपको दोनों तरफ से दिखा रहे हैं, इसको उलटते पलटते हम दोनों तरफ से इसको अच्छा से सेक लेंगे इस नाश्ते को। देखिए फ्रेंड्स, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और देखिए हम एक और आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं सेम प्रोसेस से। तो हमें थोड़ा सा राई दाना डालना है और कड़ी पत्ता, और उसके बाद यहाँ पे एक ही जगह हमें इस बैटर को डालना है इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे थोड़ा इधर उधर है तो इस चम्मच से इसको बराबर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद इसमें लीड लगाकर वही हमें 2 मिनट तक इसको सेकना है। और उसके बाद देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा ये देख सकते हैं ऐसे ड्राई हो गया है, तो इसको पलट कर हम अब दूसरे तरफ से भी ऐसे ही सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए इसको बढ़िया से हमें कुक कर लेना है। और देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया। देखिए कितना इजी है ना बनाना, कोई भी इसे बना सकता है फ्रेंड्स। और 2 चम्मच ऑयल में ये सभी हम नाश्ता बनाकर रेडी कर लिए थे। देखिए कितना ज़्यादा नाश्ता ही बना है ये, तो देख सकते हैं आप देखने में कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम नया ये है तरीका बनाने का, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, अगर दाल चावल खाने में नखरे दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से आप डिफरेंस तरीके से बनाकर दाल चावल बच्चों को खिलाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। बच्चों को टिफिन में दीजिए और छोटी मोटी भूख के लिए आप तुरंत इसे बना सकते हैं, बेहद ईजी है बनाना ये। और देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो देखिए हम आपको तोड़कर यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा ये हमारा नाश्ता बना है। और खाने में इसका टेस्ट एकदम डिफरेंस था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत ही अच्छा से खाएंगे, इतना टेस्टी ये नाश्ता बना था। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।